हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडो ट्यूटर। मैं हूँ दीक्षा। आज हम बात करने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में। लेटेंट हीट के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी कि अगर टेम्परेचर है वो चेंज ना हो, इवन इफ वी आर सप्लाइंग हीट, हीट दे रहे हैं पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो हीट कहीं पर जाके छुप रही है। और लेटेंट का मतलब होता है हिडन, वो छुपती कहाँ पर है, वो चेंज उस स्टेट को बदलने में बिजी हो जाती है। अगर हमने लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करने में लिक्विड के पार्टिकल्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में ये बिजी हो जाएगी और टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करने वाली। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। व्हाई लेटेंट हीट डू नॉट इंक्रीज दी टेम्परेचर? जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और हमारे पास है गैस के मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ये हीट यूज्ड अप हो जाएगी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग दी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ब्रेकअप हुआ है और यहाँ पे अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही टूटे हैं सिर्फ। काइनेटिक एनर्जी मतलब इंडिपेंडेंट आप कब फील करोगे, जब आप प्रॉपरली मूव ऑन हो जाओगे और उसमें लगेगा टाइम, जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में मतलब आपकी जितनी भी यादें हैं ना सारी आप भूल जाओगे ना, उस टाइम पे आप प्रॉपरली मूव ऑन हो जाओगे, उसके बाद आपको वो खुशी मिलेगी सिंगल वाली कि हाँ ऐसे जिंदगी ज़्यादा अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ, अभी चलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, आर मेन टॉपिक। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्यूजन की तरह ही है। फ्यूजन में हमने सॉलिड को कन्वर्ट किया था लिक्विड में, यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे लिक्विड को गैस में। जैसे हम किसी भी पानी को बॉईल कर रहे हैं, यहाँ पे बॉइलिंग के साथ क्या हो रहा है, ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, राइट, दैट इज अ गैशियस फॉर्म। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, सेम पहले वाला ही एक्सपेरिमेंट ही है। वहाँ पे हमने आइस क्यूब्स को बर्न किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्रू बर्नर हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे लिक्विड को, पानी को हमने हीट प्रोवाइड करी, पानी को हीट प्रोवाइड करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर वेपर्स में। हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अगर हमने इसको हीट प्रोवाइड करी है टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था, पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। यहाँ पर हुआ क्या था, मैंने लिक्विड रखा है, यहाँ पे लिक्विड रखा, मैंने नीचे से क्या कर दिया, आग लगा दी। जब मैंने नीचे से आग लगा दी, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड जो है वो धीरे धीरे तो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहले आएगा जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट, तब तक तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। पहले तो पानी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर पर वही रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हीट प्रोवाइड करने पर पहले वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचेगा। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो मेल्टिंग पॉइंट पर होती है, पहले आइस को मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है, उसके बाद ये प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुरू होता है। यहाँ पे भी लिक्विड को पहले बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उसका टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट। यहाँ पे जब ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया सारा का सारा टेम्परेचर, तब ये जो है थर्मामीटर पर कोई चेंज हमें नज़र नहीं आया, ये सारा टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा था टिल द टाइम सारा का सारा लिक्विड उड़ गया, कैसे वेपर, वाटर वेपर्स की फॉर्म में चला गया, तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, इतना ही, यहीं पे आके रुक जाएगा एक पॉइंट पे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो हीट है मैंने नीचे से प्रोवाइड करी वो यूज्ड अप हो चुकी है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, और वी कैन से वाटर टू वाटर वेपर्स। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन देनी हो तो हम बोलेंगे वो क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, जूल्स इज वॉट, एसआई यूनिट, तो एनर्जी के एसआई यूनिट और मास के एसआई यूनिट में ही हम बात करेंगे कि वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो हमें चाहिए होगी एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, और वो लिक्विड कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट हमें चाहिए होगी इन जूल्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बस वहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड हुआ था, यहाँ पे लिक्विड टू गैस होगा। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, कितनी होती है इसकी वैल्यू, इट इज़ 22.4 × 10⁵
जूल पर किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम आएगा, जूल पर किलोग्राम। सो इस चीज का क्या मतलब है कि इतनी हीट हमें चाहिए होगी अगर हमने 1 किलोग्राम पानी को कन्वर्ट करना है वाटर वेपर्स में विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। कैन वी से दैट 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैज लेस एनर्जी देन 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर सेम ही बोला है मैंने, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 1 किलोग्राम पानी में कम एनर्जी होती है। इसका क्या मतलब है, हमने बीकर में लिया था पानी, पानी के पास सपोज कर लो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, नीचे से एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड की जो इस पानी ने एब्जॉर्ब करी और किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। नाउ स्टीम ने क्योंकि ये वाली हीट एनर्जी जो बाहर से आई थी उसे भी एब्जॉर्ब किया, तो ये हो गई x+y। नाउ यू कैन क्लियरली सी पानी के पास कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, स्टीम के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। इसी रीजन की वजह से अगर हमारे पास एक स्टीम है एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड आपके पास है वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग वाटर ऑब्वियसली, है ना, आप इन दोनों में से एक हाथ आपने लगा लिया बॉइलिंग वाटर पे, एक लगा लिया स्टीम पे, कहाँ पे गंदे रैशेस पड़ेंगे। अगर आपने बॉइलिंग वाटर पे हाथ लगाया, ठीक है, बॉइलिंग वाटर के अंदर अपना हाथ लगा लिया, तो फिर रैशेस फिर भी बढ़ेंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू स्टीम उसके घाव थोड़े से कम होंगे, बट स्टीम के घाव ज़्यादा होंगे क्योंकि स्टीम के पास है x+y अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और वाटर के पास है सिर्फ x अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो वही चीज़ बोल रहा है, बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम आर मोर सीवियर देन बॉइलिंग वाटर इवन एट सेम टेम्परेचर, इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। सो दिस इज़ द बर्न, ये दिखने में भी बहुत गंदा लग रहा है ना। तो ये क्या है, स्टीम की वजह से कॉज हुआ है, स्टीम की वजह से। इसलिए स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर अगर सेम है, अगर आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस पे सपोज कर लो टेम्परेचर है पानी का और उसी टेम्परेचर पे आपके पास है स्टीम, तब आप क्या बोलोगे, पानी कम हार्मफुल है एज कम्पेयर टू स्टीम, ठीक है, लेकिन हार्मफुल दोनों ही चीज़ें होंगी। मतलब हम सेम टेम्परेचर की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, आप ऐसे कंपैरिजन नहीं ले सकते कि मैम तो हम जो स्टीम है हम उसको क्यों लेते हैं, अगर आपको कोल्ड हुआ हो तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप स्टीम लो तो आप ठीक हो जाओगे, कि उसमें तो हमारा मुंह नहीं जल जाता, वो भी तो स्टीम ही है। हम स्टीम की पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम होती है और 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी होता है उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, ना कि विदाउट कंपेयरिंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को हम नहीं तो सोच रहे और ऐसे ही बोली जा रहा है कि स्टीम ज़्यादा डेंजरस है। नहीं, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर डेंजरस देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन के बारे में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।